हाँ, अभी मैं सो के नहीं जगा हूँ। एक्चुअली आज जाके यार तुम बोलने दो, नहीं सिर्फ बीच में टोको के कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। तुम जान रहे हो कि हमरा के सामने हम बोल भी नहीं पाते, बहुत हम मुश्किल से फोकस करते, सोचते क्या बोलना है। वैसे भी कैमरा ऑन होने के बाद मेरा माइंड ऑफ ही हो जाता है, कुछ बोलने की कोशिश करते तुम बीच में टोक देते हो यार। जब पूरा फिनिश कर लेने उसके बाद तुम बोला करो ना, समझते क्यों नहीं हो? फिर हम नहीं बोल पाते हैं, भुतला जाते कि भूल जाते क्या बोलना है नहीं बोलना है, मेरा माइंड पहुंच मतलब वो हो जाता है, समझ रहे हो ना? रिक्वेस्ट भाई, प्लीज रिक्वेस्ट, जब हम फोकस कर रहे हैं तो मत बोला करो, कट। एक्चुअली अभी नहीं जगाऊ, थोड़ा देर पहले जगाऊ, अभी फ्रेश होके फिर आराम से आके बात कर। आज ठंडी बहुत ज्यादा है, पता है? आज संडे, तो आज सोचे थोड़ा आज रेस्ट ले लेते हैं यार, पूरा सप्ताह एकदम शरीर को कितना थकाएंगे, सुबह शाम ब्लॉगिंग करना, फिर शाम में जिम करना, फिर रात में आके खाना पीना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। तो आज सोचे यार आज संडे, आज रेस्ट लेते हैं, आज बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर कुछ कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ी गपशप, थोड़ी बातें कर लेते हैं। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, मैं इम्प्रूवमेंट फील कर रहा हूँ खुद में। सबसे पहली बात, पहले मैं कैमरे के सामने इतना नहीं बोल पाता था, थोड़ा सा तो कैमरा फियर दूर हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ वो मैं फील कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ, उतना नहीं हो पाया बट थोड़ा सा हुआ वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें हुई हैं, पहले कैमरा ऑन होते ही माइंड ऑफ हो जाता था मेरा, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था कि क्या बोलना है मुझे। तो अब वो चीजें थोड़ी दूर हुई है, अब थोड़ा कैमरा के सामने सोचना शुरू किया है मैंने, अब मैं सोच पाता हूँ थोड़ा बहुत। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, पहले मैं मेरे माइंड में जो भी चीजें आती थी, जो मैं बोलना चाहता था वो मैं नहीं बोल पाता था, शब्द की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, कैमरा फियर, बहुत सारी चीजें थी, मतलब जो मैं बोलना चाहता वो मैं नहीं बोल पाता था, किसी और ट्रैक पे निकल जाता था। अब धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा हूँ, मतलब जो भी मैं बोलना चाहता हूँ कैमरे के सामने वो मैं बोल पाता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि पब्लिक समझ पाए, कोई देखे तो समझ पाए। पहले तो मैं जो बोलता था और बाद में वीडियो देखता था, मैं खुद नहीं समझ पाता था कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब वो चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, अब मैं टू द पॉइंट बातें करने लगा हूँ, सही तरीके से बोलने लगा हूँ। और हाँ, आज तो संडे है यार, आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, आज कंबल ओढ़ के आराम से बैठे हुए हैं। और कौन सा टॉपिक टच करना है आज हमें? पहले कल रात में क्या हुआ ना, कल रात को तो घर गजब हो गया बिल्कुल, क्या बताएं अब। कल मेरा 400 MB डाटा वेस्ट हो गया। अब आपको हंसी आ रही होगी, 400 MB डाटा हो गया वेस्ट, क्या मतलब? आप समझ रहे हो, मुझे सिर्फ 1.5 GB डाटा डेली मिलता है, एयरटेल का पैक डलाते हैं, 1.5 GB डाटा मेरा डेली का होता है। हुआ क्या कि कल वाला ब्लॉग हम अपलोड कर रहे थे, माय हैप्पीएस्ट डे एवर, वो वाला ब्लॉग कल जो अपलोड किया वो कर रहे थे रात में, शाम में अपलोडिंग में लगाए, क्रोम से हम अपलोड करते हैं, तो जिम करके आए, जिम से पहले लगा दिए, जिम करके आए, देखे 20% अटका हुआ, हो ही नहीं रहा, कितना भी ट्राई किया नहीं हुआ 20%, मतलब समझ रहे हो अप्रोक्स 300-350 MB ऐसे ही कुछ। 1.7 GB का वीडियो था मेरा, उतने का ही बन जाता है वीडियो। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वीडियो शॉर्ट करता जो, अभी तो सीख ही रहा हूँ, अभी तो 2 ही ब्लॉग किया अभी तक, ये तीसरा वाला आज अपलोड करूंगा, तो आज सिर्फ बातें ही करते हैं, ठीक ना? तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। तो फिर जिम से आने के बाद 20% पार्ट का, फिर वो वीडियो डिलीट किए, फिर से लगाए अपलोडिंग पे वीडियो, फिर वही हाल यार, क्रोम से हो ही नहीं रहा था, 1.7 GB का वीडियो था, बार बार बीच में कनेक्शन छोड़ दे रहा था, एक बार कनेक्शन टूटा था फिर से करना पड़ता था वापस से, 10% होके 20% होके ऐसे ही बार बार वीडियो डिलीट करना पड़ा। फाइनली यूट्यूब ऐप से किए तो जाके, रात में लगा के छोड़े तो जाके हुआ अपलोड, हुआ फाइनली, करीब 10 बजे लगा के सो गए थे, फिर अचानक नींद खुला, 2 बजे नींद खुला था यार, 2 बजे देखे हमको लगा डेट चेंज हुआ, क्योंकि हम ये मेरा ये कोशिश रहता है कि जैसे आज 27 तारीख है ना, आज 27 दिसंबर है, तो आज ही ब्लॉग शूट करके, आज ही एडिट करके, आज ही अपलोड करना होता है, ताकि वीडियो अगर कोई खोले और नीचे डेट देखे तो आज का ही डेट देखे। तो मेरा यही कोशिश रहता है, जिस दिन वीडियो बनाओ उसी दिन अपलोड करो, अगले दिन नहीं, फिर वो माइंड पे प्रेशर बन जाता है, फिर अगले दिन का टास्क डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए मेरा यही कोशिश रहता है। तो
10 बजे छोड़ा, थैंक गॉड 12 बजे से पहले हो गया कि कल का डेट उस पर रजिस्टर्ड हो गया, वरना अगर आज का होता तो फिर दिक्कत हो जाता। एक यू नो क्या बोलते हैं साइकोलॉजी वो होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है जिस दिन ब्लॉग शूट कर रहे हैं उसी दिन एडिट करके उसी दिन अपलोड करना होता है। तो फाइनली आज मेरा ये तीसरा ब्लॉग है। और हाँ अच्छा, आप लोग मेरे कपड़े को नोटिस करते होंगे ना कि मैं डेली एक ही कपड़ा पहनता हूँ। हाँ बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं कि यार अब तुम्हारे पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो मैं उन्हें मुंह पे तो जवाब नहीं देता, लेकिन मैं मन में सोचता हूँ यार ड्रेसिंग सेंस होने के लिए ड्रेस का होना भी तो जरूरी है। नहीं सीरियसली मैं अभी अपना वो दिखा दूंगा आपको, क्या बोलते हैं उसको, कबर्ड बोलते हैं, कबर्ड, मैं आपको अपना कबर्ड खोल के दिखा दूंगा। मेरे पास सच में कपड़े नहीं है, एक शर्ट है जो मैं हमेशा पहनता हूँ, वो भी भाई का शर्ट है, और एक जींस है बस। क्या करे यार, देखो घर से लिमिटेड अमाउंट में ही पैसे आते हैं, और टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली अगर बात करें तो मेरे मम्मी पापा सच में अफोर्ड नहीं कर सकते हम दोनों भाई को यहाँ दिल्ली में रखना, फिर भी वो रख रहे हैं। तो जितना लिमिटेड पैसा भेजते हैं वो रूम रेंट और खाने पीने इसी सब छोटे मोटे खर्चों में निपट जाता है, हम लोग के पास बचता भी नहीं है ज्यादा कुछ। तो भाड़ा तक के लिए रुपया नहीं बच पाता है कभी कभी, ऐसा होता है कभी कभी, हर महीने एक महीना हुआ नहीं, अभी भाड़े के लिए रुपया है ही नहीं बिल्कुल भी, साफ खत्म, ऐसा कंडीशन हो जाता है। सो आई नो, मैंने सोचा यार यूट्यूब से अगर कुछ इनकम हो जाता ना, साइड थोड़ा भी, तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती, यू नो मतलब अब छोटे मोटे खर्चों के लिए मम्मी पापा को फोन करके परेशान नहीं करना पड़ता, वो भी बेचारे यू नो समझ सकते मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स, यहाँ दिल्ली में रहना अफोर्ड कर रहे हैं वे लोग, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो हम सोच रहे हैं कुछ जॉब वॉब कर लें, लेकिन यही है कि जॉब करेंगे तो फिर मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है एक्टिंग, यू नो तो मेरी कोशिश यही रहेगी ना कि मैं एक्टिंग फील्ड में ही कोई जॉब करूं। अगर किसी दूसरे फील्ड में जॉब करता हूं, लेट सपोज मैं किसी रेस्टोरेंट को जाकर ज्वाइन करता हूं, वे लोग अगर 3,000 महीना देंगे भी तो पूरा दिन खटवाएंगे, फिर मैं अपने पैशन से डिस्ट्रैक्ट रहूंगा ना, तो वो चीजें मैं नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ही कोई जॉब ढूंढ लूं। लेकिन अभी दिल्ली में हूं, मैंने ट्राई किया 2-3 जगह, डबिंग के लिए भी ट्राई किया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च करता रहता हूं, तो पता चला एक्टिंग फील्ड में एक डबिंग कर सकते हैं, उसके लिए फोन किए तो वो 9,000 रुपए मांग रहे हैं, 9,000 रुपीज। अब बताइए कहां से, यहाँ भाड़ा के लिए रुपया ही नहीं, 9,000 कहां से लाए। फिर मॉडलिंग में भी बहुत सारे फोटोग्राफर को कॉल करते तो 10-15 हजार मांगता, कोई 40 हजार मांगता। मैं सोचता हूँ यार, और एक्टिंग फीस की तो बात ही मत करो, मुझे अपना जमीन बेचना पड़ जाएगा, अब वो भी नहीं बचा हम लोगों के पास। तो मतलब हर जगह पैसे, मैं मन में सोचता हूँ यार मैं पैसे कमाने के लिए आ रहा हूँ और तुम मुझे से पैसे मांग रहे हो। मतलब मेरे पास अगर कोई टैलेंट है, अगर मेरे पास कोई स्किल है उसका यूज करके तुम पैसे कमा लो ना, मैं कहां से दूंगा, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये चीजें। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कहीं कुछ जुगाड़ लग जाए ऐसा तो अच्छा रहेगा। यार ठंड आज सच में बहुत ज्यादा है। तो कितनी देर हम लोगों ने बातें कर ली, बातें भी सोच कर करनी पड़ती है, अगर ज्यादा लंबा हुआ तो फिर 1 GB से ज्यादा का वीडियो होगा फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा, 1.5 GB डेली लिमिटेड डाटा है ये मेरे पास, और वो वाली ब्लॉग अभी तक डेली वाली अपलोड नहीं की, वो तो 2 GB क्रॉस है यार, उसको अपलोड करने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा, 12 बजे पहले और 12 बजे बाद रात में, और दोनों दिन पूरा दिन मुझे एकदम कुछ नहीं करना पड़ेगा, डाटा यूज नहीं करना पड़ेगा, तब 12 बजे से पहले 1.5 GB, 12 बजे के बाद दूसरा 1.5 GB, और दोनों 1.5 GB को यूज करके तब वो वीडियो अपलोड होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कितनी संघर्ष है यार जीवन में, लेकिन अच्छा यार मजा आ रहा, रहने खाने को मिल रहा है घर से, और क्या चाहिए बाकी, तो मैं अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ। अभी घर पे ही शूट करते हैं यू नो, क्योंकि अभी सच बताओ तो पब्लिक प्लेस में बोलने का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया, अगर 4 लोग अभी यहाँ आके जमा हो जाए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा फिर, तो वो चीजें भी तो खत्म करनी है ना, तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। वैसे मैंने सोचा है कि कनॉट प्लेस पे जाके एक बार एक्सप्लोर करते यार, घूमते, अच्छे से नहीं घूमे हैं वहाँ, तो वहाँ जाकर वीडियो बनाते हैं। लेकिन 2 प्रॉब्लम है, पहला तो भाड़ा का दिक्कत है, मेट्रो से ही जाएंगे, बस का ट्रेवल ज्यादा यहाँ कर लेते हैं ना फिर मेरा माथा घूमने लगता है, ज्यादा देर बस का ट्रेवल नहीं कर पाते, और मेट्रो का भाड़ा बहुत ज्यादा है यहाँ से, तो
ठीक है वो सॉर्ट आउट कर भी लेंगे, तो दूसरी बात अगर वहां जाएंगे तो फिर सूट ही ऐसे मोबाइल करके सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो फिर जो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे यहाँ पे आके फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्या फायदा, फिर वॉइस ओवर का अलग झंझट हो जाता है, फिर वो नहीं हो पाएगा। वहां जाएंगे तो कैमरा ऑन करेंगे और रिकॉर्डिंग में ही बोलेंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस वहां कितने सारे लोग रहते हैं उनके सामने कैसे बोल पाएंगे, वो चीज है मेरे साथ, वो दिक्कत है। तो अभी कोशिश में लगे हुए हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, बाद में वीडियो को कट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बहुत सारी बातें कर ली ना हमने, और कुछ रह गया है क्या? हाँ एक चीज और, तीसरा कारण तो बताया ही नहीं यार, डर है ना कि फोन चोरी ना हो जाए, सबसे बड़ा यही दिक्कत है, अगर फोन चोरी हुआ तो फिर सब खत्म, भाई का हो चुका है ठीक है नहीं बोलेंगे, बहुत दिक्कत हो, तुम समझ रहे हो यार, मतलब जो बचा यही बचा, दिल्ली तो घूम नहीं सकते, इतना बड़ा शहर कैसे घूमेंगे जो विदाउट मोबाइल, मोबाइल के हेल्प के बिना कैसे घूम सकते इतना बड़ा शहर, गूगल मैप पे देख देख के याद कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे हौज खास है, यहाँ पे कनॉट प्लेस है, यहाँ पे न्यू दिल्ली, यहाँ चांदनी चौक, यहाँ लाल किला, ऐसे सारे जितना भी कुछ अभी तक गूगल मैप पे ही देख के याद किए, पूरा नक्शा याद किया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है वो भी अभी अच्छे से ढंग से याद भी नहीं हुआ है। तो समझ रहे हो हम लोग पूरा डिपेंड अभी मोबाइल पे ही है, इसी स्मार्टफोन पे पूरा डिपेंडेंसी अभी मेरा, अगर ये गया तुम समझ रहे हो, वो डर नहीं जाने दे सकता हूं यार, अभी ऐसे ब्लॉक कर रहा हूं कोई लेके चला गया खत्म, फिर यार बाप रे, मतलब सोच के ही अजीब लगता है, अगर कोई क्या होगा मेरा फोन अगर कोई लेके चला जाए, ना बाबा ना, इससे बेटर है अपना अपन घर में ही रहकर रिकॉर्ड करके खुश रहे उसमें, ठीक है कोई बात नहीं, व्यूज नहीं आ रहे, जीरो सब्सक्राइबर है, पर फोन तो है कम से कम यार, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। हाँ भैया फोन लेके गए, फोन चला गया, हो गया, योर रिस्क इज बिगर, हम पता है जिम क्यों ज्वाइन किए, मेरा मेन फोकस हमको अपने फोन की रक्षा के लिए जिम ज्वाइन किए, फनी लग रहा है लेकिन एक माइंड सेट है मेरा, कोई फोन लेके भागेगा तुरंत उसको दबोच के दो फाइट देंगे, फोन वापस लेंगे या एकदम दौड़ के उसको पकड़ सके, वो स्टेमिना बिल्डअप कर रहे हैं, नहीं यार फोन के बिना सच में हम नहीं रह पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी यार रहना फोन के बिना, समझ रहे हो ना, तुम फील कर सकते हो उस चीज को, तुम तो कर ही सकते हो यार, करिए तुम तो जेल चुके, जेल रहे हो तुम, लेकिन फिर भी तुम्हारा फोन पे उतना डिपेंडेंसी नहीं था, मेरा बहुत ज्यादा है, सबको ऐसा ही लगता है, मेरा सब कुछ व्यूअर्स से पूछिए क्या आपको भी ऐसा लगता है, अच्छा आपको भी ऐसा लगता है क्या कि आपका आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हो, डिपेंड ही नहीं, लोगों की जिंदगी होती है लोगों की फोन, मेरी तो इमोशन जुड़ी हुई है मेरे फोन से, आपकी तो सिर्फ इमोशन जुड़ी हुई है, लोगों का तो आत्मा होता है, मेरा आत्मा मेरी जिंदगी फोन से जुड़ी हुई है यार, तुम समझ रहे हो, आपका आत्मा आपकी जिंदगी से फोन से, लोगों का पूरे सब कुछ फोन से जुड़ा रहा, मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, सब कुछ फोन से ही है यार जुड़ा हुआ, केवाईसी तिवासी जो भी सब कुछ फोन से है, फोन गया सब खत्म यार, तुम समझ रहे हो, मतलब मैं देखो कितना ज्यादा घबरा गया सिर्फ इस टॉपिक पे बात ही करने से, अगर सच में हो जाए मैं सोच भी नहीं सकता उस चीज को यार, तो मैं कैसे जाके पब्लिक प्लेस पे जाके वॉक कर सकता हूँ, तुम खुद सोचो ना, कोई फोन लेके फड़ा हो गया खत्म नहीं यार, फिर मैं बैठ कर रोने लगूंगा वहीं पे, ना बाबा ना, लीव चेंज द टॉपिक, मैं चेंज द टॉपिक, और कुछ टॉपिक है क्या बात करने को, बहुत बुरा लगता है सच में, फोन चोरी हो जाता है, ओह यार मत बोलो यार, जिंदगी थम साजा प्लीज, मत इस चीज सोच के पूरा अजीब लगता है, अगर जिंदगी अधूरी सी हो, देखो जैसे जानते हो तुम मेरे भाई हो ना, तुमसे जितना प्यार करते हैं ना, तुम्हारे बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो फोन है यार, सीरियसली बोल रहे हो, जाइए दीजिए तो फोन ब्लॉक करके आते हैं, तुम पहले बोल, तुमको नहीं ना खोना चाहेंगे कभी दिमाग लगा के बोलते हैं नहीं तुमको कहीं नहीं खोना, उसे तो फोन कभी कभी नहीं खोना जितना बोला रिकॉर्डिंग ही नहीं हो, बीच में कुछ मैसेज या कुछ आया होगा रिकॉर्डिंग बंद, जितना बोला सब वेस्ट,
बताओ यार दिमाग खराब होगा कि नहीं। नहीं एक सपोज करो अगर ऐसा कंडीशन हो गया अब, क्योंकि मैं बैक कैमरा से कर रहा हूँ मुझे दिख नहीं रहा है कि उस तरफ क्या हो रहा है, अगर अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गया होगा तो क्या तो समझ रहे हो यार कितना दिक्कत हो जाता है फिर। लेकिन सही है, जब से मैंने ये चीज डिसाइड किया कि मैं अपने लास्ट 7 दिन को रिकॉर्ड करूंगा, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है यार। तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये बंदा झूठ बोलता है, इसको कोई कैमरा फियर नहीं था, पहले दिन थोड़ा एक्टिंग किया होगा, अब कितना अच्छा बोल रहा है। आप देख रहे होगे वीडियो, उस वीडियो 2-3 वीडियो पहले मैं कितना हकलाता था, क्या चीज होता है, बहुत सारी चीज होती थी। अब नॉर्मली बात कर रहा हूँ फ्रेंकली, तो ये आप देख रहे हो कि उस वीडियो के 2-3 वीडियो के बाद ही 3-4 वीडियो में मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन पहली से दूसरी वीडियो के बीच में कितनी वीडियो डिलीट हुई है वो तो आप नहीं देख रहे हो ना, वो तो मैं जानता हूँ ना, कितनी प्रैक्टिस हुई है तब जाके इतना सारा चीजें कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं। तब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अभी तो आज तो 3रा दिन है ना, 7 दिन का मैंने चैलेंज लिया था, 25 तारीख से 31 तारीख तक का, 25, 26, 27, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन और है, 28, 29, 30, 31 फिर इंटर करेंगे नए साल में एक नए जोश के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। वाओ अरे बाथरूम का नल भी तो खराब है ना यार, क्या होता है बाथरूम का नल का एक पाइप में लीकेज हो गया, वो भी सही करना है, MC लगा देंगे। खिड़की का शीशा तोड़ दिया इन लोगों ने, ये देखिए दिखा रहे हैं, खेल ही रहा है क्या सर? हेलो पत्थर मत फेंकना। पत्थर फेंकता है, हद है यार, ये देखिए दिखा रहे हैं थोड़ा सा कुत्ता है। एक सेकेंड, ये देखिए ये खिड़की का शीशा, शीशा पूरा टूटा हुआ, इस खिड़की का भी शीशा टूटा हुआ, रुके दिखा रहे हैं, ये देखिए ऊपर शीशा टूटा हुआ है सारा, टूटता कैसे है दिखा रहे हैं बाहर का। लड़का सब चला गया क्या यहाँ पे? लड़का सब आके पत्थर फेंकता है नीचे आके, बताइए कितने सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे यार। अभी क्या करते हैं, बाथरूम का एक नल का जो है लीकेज हो गया, वहाँ MC लगाना है, थोड़ा बाहर घूम फिर लेते हैं यार, सुबह से बाहर ही नहीं गए हैं एक बार भी। हाँ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, 18 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया, ओ माय गॉड। वहाँ सामने चौक है, वहीं पे सामने बाजार लगती है, कल सामने जाके वहाँ खाना खाए, स्ट्रीट फूड। सो आपने अभी तक कैमरा में मुझे ही देखा, कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो नहीं देखा है ना अभी तक, आइए दिखाता हूँ, ये देखिए। सो मैं इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ, देख रहे हो, ये ट्राइपॉड 350 का लिया, बहुत जुगाड़ करने के बाद लिया है यार। सो अभी खाना पीना खा लेते, आज खाना क्या बना है ये देखिए, सब्जी गोभी का, वाह कल जैसा सब्जी बना, बहुत अच्छा सब्जी है, और चावल देखिए। वैसे यहाँ पे कहाँ पे कहाँ हो दिया है दूध, अच्छा मेरे चक्कर में गिरा है, दूध गिर गया, बताइए मेरे चक्कर में गिरा ये क्या है, यही जिंदगी है। सबसे बड़ा सवाल दूध का। अरे यार एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ आके बैठते हैं थोड़ा तो बैठ के बात करते, ठंडी बहुत है यार। कहाँ जा रहे हो? लाइट ऑन कर देते ना यार अभी। हाँ मैं डांस वीडियो क्या दवाई ले, ठीक है जाओ बाय बाय बाय, रात को तुम दवाई लेने जा रहे हो, डायरेक्ट रात में क्यों आओगे? दवाई लेने बहुत दूर जा रहे। क्या बोले, अच्छा हाँ 18 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया यार, फिर फालतू में 2 GB क्रॉस हो जाएगा, 10 मिनट के बाद अगर होता है तो 1 GB क्रॉस करता है, 20 मिनट के बाद होता है, वो बीच में मत बोलो ना यार, तुम कर रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर अपलोडिंग में दिक्कत होगा, हम बात कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, पहले कितना अच्छा से यहाँ बैठ के आराम से हम लोग कन्वर्सेशन कर लेते, तभी भाई जाता था कहीं बाहर कुछ काम से चला जाता था तब हम बात कर पाता, अब ये रहता तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मत बोलो ना यार बीच में प्लीज। क्या बोल रहे थे, हद है यार हम भुला गए, वीडियो लंबा जा रहा है। दर्द करने लगा। अच्छा ठीक है चुप थोड़ा बोलने दो, हमको फोकस कर दे दो, फोकस करने देखो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ है, हो रहा है ना, ए स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब अभी हो रहा है कि नहीं सो बताओ।
ठीक है हाँ, तो कहाँ थे हम, कहाँ थे यार। हाँ एक चीज और, आपको पता ही घर से लिमिटेड पैसा आता है जो रेंट और खाने पीने में चल जाता है, एक्स्ट्रा खर्चा तो कैसे कैसे निकाल रहे हैं हमें ही पता है। एक महीना हो गया है जिम का, अब मतलब अब आलम कुछ ऐसा है जिंदगी का कि जिम करने में जितना संघर्ष नहीं उससे ज्यादा संघर्ष जिम का पैसा भरने में, क्यों सही बोले कि नहीं। तो यार फिर भी दिक्कत होता है ना, कहीं जॉब कर ले, कहीं मिल जाता ना जॉब यार, बहुत अच्छा होता है। कोई हर जगह ट्राई किए कोई दे ही नहीं रहा, फिर भी कोशिश तो नहीं छोड़ सकते, सर्वाइवल के लिए तो कुछ तो करना पड़ता है। यूट्यूब से थोड़ा भी इनकम हो जाता नहीं, अभी तो जीरो सब्सक्राइबर, बताओ इतने सारे वीडियोज बना दिए कोई देख ही नहीं रहा है, मात्र 38 व्यूज जो है, और वो भी 38 बार मैंने खुद ही देखा है। हद है यार, कोई तो देख लो वीडियो को, शेयर कर दो ना यार थोड़ा सपोर्ट। यूट्यूब से थोड़ा भी इनकम होगा तुम समझ रहे हो बैचलर को कितनी राहत मिलेगी, आह प्याज महंगा हो गया, अब क्या क्या बताया दिक्कतें। हाँ एक क्या बोल रहा था, सॉरी भटक गया, सॉरी। हाँ मैं डांस करना चाहता हूँ, मतलब मैंने जब दिल्ली आ रहा था उस टाइम सोचा मुझे डांस वीडियो शूट करनी, लेकिन दिक्कत क्या, मैं यार डांस क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, फीस का ही दिक्कत है यार, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ फीस, तुम्हें पता ही है। तो मैंने सोचा यूट्यूब से ही सीखा जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है मैं यूट्यूब से किसी का डांस देख के उसको कॉपी ही कर सकता हूँ, अगर वो डांस खराब हुआ कोई देखेगा तो गालियां देगा, सही हुआ कोई देखेगा तो भी गालियां देगा, बोलेगा कि तुम कॉपी करते हो यार, खुद का कुछ करो, कॉपी कैट हो तुम, फिर यार डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। वैसे हम पहले क्यों इतना सोच रहे हैं, पहले ट्राई करते हैं। वैसे कल वाले वीडियो में हम डांस ट्राई किए थे, मतलब जो के दिल से किए थे यार, खुशी था तो वो खुशी बस निकला, तो आई होप वो डांस आप लोगों को अच्छा होगा लगा होगा, नहीं नहीं आई होप वो डांस आप लोगों ने देखा होगा एटलीस्ट। अच्छा अब यार बुरा लगने की बात तो बाद में, पहले देखा तो हो यार, देख तो लो प्लीज। सो ये डांस करने का मन कर रहा है, मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर मैं डांस वीडियो इस चैनल पे नहीं अपलोड करूंगा उस चैनल पे, हाँ डांस वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, उसके लिए फैमिली वाले कुछ नहीं बोलेंगे। तो यार प्लीज अगर उस चैनल पे जाना, मेरा डांस देखना अच्छा लगे या खराब जैसा भी लगे, प्लीज अप्रिशिएट करना यार, ताकि मैं अगली कोशिश कर सकूं, डीमोटिवेटेड ना रहूं। अच्छे कमेंट आते हैं यार मैं मोटिवेट हो जाता हूं, नहीं और ट्राई करते, चलो और ट्राई करते। वही चीज़ है, मैंने दो चार वीडियो डाउनलोड किया हुआ यूट्यूब से, मैं कोशिश करूंगा ट्राई करूंगा उसे करने की, तो देखते हैं कैसा डांस कर पाते हैं। और अभी तो ऑफ करते हैं, अभी माइंड मेरा ऑफ हो चुका है, इसलिए कैमरा भी ऑफ कर देते हैं अभी कुछ, अभी थोड़ी देर बाद अब कुछ जैसे जैसे दिमाग में बातें आते रहेंगे, आज पूरा दिन बातें ही करेंगे चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए, आज दिल की बात आपके साथ। अरे वाह ये तो तुक बन गया है। ओके ठीक है, तो अभी जल्दी से वीडियो ऑफ कर देते हैं, फिर लंबा हो जाएगा।